नमस्कार दोस्तों सो so फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा 3 अगस्त 2022 को स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका आयोजित कराया जाएगा दोस्तों आज का ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे रहेगा इसमें मैंने स्टाफ़ नर्स रीजनिंग करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जीके के सवाल इसमें मैंने आप पे कवर कर लिए और देख सकते है, ये हैं यह पार्ट नंबर ट्वेल्व है इससे पहले 11 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं यदि आप सभी लोग एम पी एन एच एम स्टाफ नर्स तीन अगस्त के एग्ज़ाम में आप लोग शामिल हो रहे हैं तो सभी पार्ट्स आप लोग वॉच करके जरूर जाना इसी वीडियो के नीचे सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लें काफ़ी हेल्प आपको एग्ज़ाम के लिए मिलने वाली है सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कोई भी इंफॉर्मेशन अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएँ सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें एम पी एन एच एम स्टाफ नर्स हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को बढ़ जाते हैं पहले सवाल की और तो दोस्तों पहला जो सवाल हम लोग यहाँ पर जो कवर करेंगे स्टाफ नर्स नर्सिंग के फील्ड से यहाँ पर रहेगा तो दोस्तों देखिए पहला सवाल यहाँ पर जो मैंने इंक्लूड किया लिखा हुआ है द टाइप ऑफ पेल्विस मोस्ट फेवरेबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो यहाँ पे पेल्विस का मोस्ट फेवरेबल टाइप है वो कौन सा रहता है तो दोस्तों देखिए इसको क्या बोलते हैं गाइने तो गाइने इसका यहाँ आंसर है इस टर्म को आप लोग याद रखें इसके बाद बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर इसमें पूछा जा रहा है विच एज ग्रुप इज़ ट्रीटेड अंडर द आई एम एन सी आई अप्रोच तो दोस्तों आई एम एन सी आई अप्रोच इसमें कितने एज के ग्रुप के लोगों को यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है तो दोस्तों पाँच साल इसकी यहाँ पे उम्र रहती है फाइव इयर्स के तक के एज के कैंडिडेट सॉरी जो पर्सन्स रहते हैं उनको ट्रीटमेंट आई एम एन सी आई अप्रोच के थ्रू दिया जाता है इसके बाद बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर पूछ लिया गया है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड मीडियली प्लेस्ड ऑसिकल ऑफ द ईयर तो आप लोगों से हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि कान में पाई जाती है और ये स्मॉलेस्ट सबसे छोटी होती है तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसको स्टेपीज बोलते हैं और ये कान में पाई जाती है तो ये सवाल जो है पूछ लिया जाता है और ये सवाल जो है आपका रिपीट भी हो सकता है अब बढ़ जाते हैं दोस्तों एक और अगले सवाल की ओर इसमें दोस्तों देखिए आप लोगों से क्या सवाल पूछ लिया गया अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग एप्लीकेशन टू फिल वैकेंट पोजिशन इन एन इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड दोस्तों किसी भी संस्था में भर्ती की प्रक्रिया में आवेदन जो मांगे जाते हैं तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है तो दोस्तों इस चीज़ को रिक्रूटमेंट बोलते हैं तो इस टर्म को आप लोगों को याद रखना है इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल है ये एक्ट पर बेस है पूछ लिया गया है जुविलाइन एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट वॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इन द ईयर दोस्तों देखिए जुविलाइन जो जस्टिस है मीस जो कि एक तरीके का एक्ट है जिसमें चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट किया जाता है उनकी केयर की जाती है तो सरकार ने भारत सरकार ने इसको कब शुरू किया था तो दोस्तों देखिए इस एक्ट को 2015 में शुरू कर दिया गया था इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है देख सकते हैं पूछ लिया गया आप सभी लोगों से व्हाट शुड बी द लेवल्स ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस मीन्स हार्ट डिसीजेस के रिस्क को रोकने के लिए टोटल यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का कितना लेवल होना चाहिए तो दोस्तों देखिए 200 हंड्रेड पर डी तो ये आप लोगों को याद रखना है और ये हार्ट डिसीज़ के रिस्क को रोकने के लिए इतना लेवल यहाँ पे रहता है इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है द पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन्वॉल्व इन कॉजिंग स्टमक कैंसर इस तो दोस्तों स्टमक कैंसर को यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है तो दोस्तों देखिए आप लोगों को इसका बता दिया गया आंसर हैली कॉब्रैक्टर पायलोरी तो दोस्तों ये धर्म आप लोगों को याद रखना है और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आप लोग याद रखें स्टमक के कैंसर से ये जुड़ा हुआ है इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है द पावर हाउस ऑफ द सेल इस तो दोस्तों पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये बोला जाता है ये नॉर्मल सवाल है ये सवाल भी बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है एन एच एम की परीक्षाओं में ये सवाल जो है आपको देखने को मिल जाता है इसके बाद दोस्तों देखिए अगला सवाल है पूछ लिया गया द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन डिवाइस टू बी यूज बाय द नर्स टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इस दोस्तों आप लोगों को बताना है डिवाइस का नाम जो कि देखिए क्या प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के फ्लो को ये प्रोवाइड कराता है और नर्स द्वारा ये दिया जाता है ऑक्सीजन के कंसेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए इसके फ्लो को बनाए रखने के लिए तो इसको क्या बोलते हैं वैनच्यूरी मास्क इसको यहाँ पे बोला जाता है तो इस मास्क का नाम आप लोग याद रखें वैनच्यूरी मास्क इसको यहाँ पे बोलते हैं इसके बाद अगला सवाल है द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज तो दोस्तों आप लोगों को उदाहरण पूछा जा रहा है किसका इंटरस्टिशियल फ्लूड का तो दोस्तों लिम्प इसका आंसर यहाँ पे रहेगा आप लोग उसको याद रखें एक और अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं पूछ लिया गया एन एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज तो दोस्तों संचार की जो प्रोसेस है उसका एक एलिमेंट मीन्स एक भाग होता है तो क्या होता है उसको बोलते हैं लिसनिंग मीन्स अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन का एक प्रकार है कम्युनिकेशन की प्रोसेस है और उसका ये एलिमेंट भाग यहाँ पे रहेगा तो इसको आप लोग याद रखें इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है हॉस्पिटल एकफेक्शन्स इज नोन एज तो दोस्तों जो इन्फेक्शन हॉस्पिटल में एक्वायर हो जाते हैं मीन्स इन्फेक्शन जो हैं हॉस्पिटल में रहते हैं और किसी पर्सन में ये ट्रांसमिट हो जाते हैं एक्वायर हो जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है तो दोस्तों देखिए नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन इसको यहाँ पे बोलते हैं ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहलाते हैं तो इस नाम को भी आप लोग इस टर्म को भी आप लोग जो है याद रखेंगे इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया सिकनेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग हेल्थ इंडिकेटर तो सिकनेस किस तरीके का हेल्थ का इंडिकेटर यहाँ पे इस चीज़ का उदाहरण है तो दोस्तों देखिए मॉर्बिडिटी का है और ये आप लोगों को इस टर्म को आप लोगों को याद रखना है सिकनेस का ये एक उदाहरण है और ये मॉरबिडिटी हेल्थ इंडिकेटर को ये शो करता है इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है द टू सुपीरियर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड तो दोस्तों हार्ट के दो चैम्बर्स रहते हैं तो सुपीरियर चैम्बर्स ऑफ हार्ट इनको क्या बोलते हैं तो एट्रिया इसको यहाँ पे यह बोला जाता है और इस टर्म को आप लोग याद रखें इसके बाद अगला सवाल है सोशल साइकोलॉजी डील्स विद तो सोशल साइकोलॉजी है ये किस चीज़ को डील करती है तो ह्यूमन बिहेवियर तो मानव का जो बिहेवियर है मानव का जो बर्ताव है कोई सोशल साइकोलॉजी डील्स करती अब दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर इसमें पूछ लिया गया बॉइलिंग वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर तो दोस्तों जो बॉइलिंग वाटर है मीन्स पानी जब उबल रहा है तो इसमें हीट ट्रांसफर होती है तो ये किसका बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं कन्वेक्शन तो कन्वेक्शन इसका राइट right आंसर ये रहने वाला है इस टर्म को आप लोग जो है याद रखेंगे हीट ट्रांसफ़र से ये संबंधित यहाँ पे रहेगा इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया द इम्यूनिटी विच डेवलप्स आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड तो दोस्तों इम्यूनिटी जो कि बर्थ के बाद डेवलप होती है तो इसको क्या बोला जाता है तो दोस्तों देखिए इसको क्या बोलते हैं इन नेट इसको यहाँ पे बोला जाता है और ये ऐसी इम्यूनिटी है जो कि बर्थ के बाद ही डेवलप हो जाती है और इसको टर्म को आप लोगों को याद रखना है इसके बाद अगला सवाल है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन ईयर इन द ईयर तो भारत में नेशनल फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया कब किया गया उन्नीस सौ बावन में किया गया ये सवाल बार बार रिपीट होता है इसको आप लोग याद ज़रूर रखें इसके बाद दोस्तों एक और अगला सवाल है डिसनफेक्शन ऑफ वाटर इज़ द बेस्ट विद क्लोरिन वैन द पी एच ऑफ वाटर इज़ तो जो यहाँ पे वाटर को डिसइंफेक्टेंड करने के लिए क्लोरीन का जब इस्तेमाल किया जाता है कब किया जाता है वेन द पी एच ऑफ द वाटर जब पी एच की वैल्यू पी एच जो कि पानी की जो वैल्यू रहती है तो ये साथ पाई जाती है तो ये आप लोग याद रखें इसके बाद पूछ लिया गया आशा वर्कर फंक्शंस एट तो आशा वर्कर जो है फंक्शन अपना वर्क करती है तो कौन से लेवल पे करती है विलेज लेवल पे करती है तो ये आप लोग याद रखें इसके बाद व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्क फैक्टर फॉर टाइप टू डायबिटीज़ तो टाइप टू डायबिटीज़ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या रहेगा तो दोस्तों ओबेसिटी मोटापा तो दोस्तों मोटापा जो है जो है टाइप टू डायबिटीज़ का यहाँ पे मोस्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है तो ओबेसिटी को आप लोगों को इस टर्म को याद रखना है तो दोस्तों नर्सिंग के कुछ इसी तरीके के सवाल आप लोगों के कवर कर लिए जाएंगे और जैसा कि आप सभी को मालूम है नर्सिंग के अस्सी सवाल आपके परीक्षा में पूछे आएंगे और बाकी के जो बीस सवाल हैं आप लोगों के रीजनिंग और जी के वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे तो आप लोगों को दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी है नर्सिंग के अस्सी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे आने वाले हैं और रीजनिंग और जी के के बीस सवाल आपके रहेंगे अब दोस्तों अगला जो पार्ट है हमारा वो जी का रहेगा जी में किस तरीके के सवाल आपके पूछे जाते हैं तो सबसे पहले इनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने कुछ जी के और करेंट अफेयर्स के सवाल यहाँ पे मैंने आ, इंक्लूड किए हैं तो कौन से सवाल हैं जैसे कि देखिए पहला सवाल है इंडियाज़ बिगेस्ट स्टेडियम इस तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है तो दोस्तों देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और ये जो स्टेडियम है गुजरात में है और ये स्टेडियम कुछ ही समय पहले इनग्रेट किया गया और आप सभी लोगों को इसका नाम याद रखना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्टेडियम ये रहेगा जो कि गुजरात में है इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है सौरभ चौधरी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट तो दोस्तों सौरभ चौधरी कौन सा खेल खेलते हैं तो ये शूटर हैं शूटिंग खेल से संबंधित है इसके बाद बजरंग पूनिया रिलेटेड टू विच स्पोर्ट तो दोस्तों बजरंग पूनिया जो कि ओलंपियन रह चुके हैं और ये कौन से खेल से संबंधित हैं तो दोस्तों ये रेसलर हैं और ये रेसलिंग करते हैं इसके बाद अगला सवाल है द्वितीय चंद रिलेटेड टू विच स्पोर्ट तो द्वितीय चंद ये भी ओलंपियन है और कौन सा खेल ये संबंधित है तो ये स्प्रिंटर है और ये धावक हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे जो स्प्रिंट जो रेसेस होती हैं उनमें ये पार्ट लेती हैं इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है आप सभी लोग देख सकते हैं एप्पल आई एन सी सी ओ तो दोस्तों जो सबसे प्रसिद्ध जो कंपनी है एप्पल की तो इसके सी ई ओ इकोनॉमी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है तो टीम कुक है आप लोग इस टर्म को आप लोग याद रखें और इस अपॉइंटमेंट को आप लोग यहाँ पे याद जरूर रखें इसके बाद अगला सवाल है चेयरमैन डीआरडीओ तो दोस्तों डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है तो दोस्तों कौन से हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है ये डीआरडीओ के चेयरमैन है इसके बाद अगला सवाल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो आर्मी के चीफ कौन है तो जनरल मनोज मुकुंद नरवने तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है और यहाँ पे एम नरवने भी कह सकते हैं जनरल ये हैं और ये आर्मी के चीफ हैं इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट सी एंड चेयरमैन तो माइक्रोसॉफ्ट के सी और चेयरमैन कौन है तो दोस्तों सत्या नडेला है और ये नाम आप लोग याद रखें ये सवाल भी अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है और ये सवाल पूछ लिया जाता है अगला सवाल है वर्ल्ड लेपरेसी डे तो दोस्तों वर्ल्ड लिब्रेसी डे कब ये मनाया जाता है तो तीस जनवरी इसकी डेट है ये डेट आप लोगों को याद रखनी है इसके बाद नेशनल यूथ डे तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाते हैं तो ये बारह जनवरी को ये मनाया जाता है इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यू एफ एजेंडा समिट 2022 तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये समिट होती है और दाबोस में होती है दाबोस जगह पे और कब से कब हुई सत्रह जनवरी से इक्कीस जनवरी दो हज़ार बाईस तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बाद दोस्तों देखिए ब्रिक्स समिट दो हज़ार बाईस हेल्ड तो ब्रिक्स देशों की जो समिट है दो हज़ार बाईस की ये कहाँ पे? तो दोस्तों ये चाइना में हुई है तो ब्रिक्स का मतलब आप लोगों को आता ही होगा अगर नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ बी आर आई सी एस तो देखिए बी का मतलब है यहाँ पे ब्राजील ठीक है इसके बाद दोस्तों आर का मतलब क्या है रशिया इसके बाद दोस्तों आई का मतलब क्या है इंडिया तो ये इंडिया है इसके बाद सी का मतलब क्या है चाइना और लास्ट में दोस्तों एस बचता है तो ये साउथ अफ्रीका यहाँ पे इसका ये रहेगा तो ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका तो ये ब्रिक्स देशों की ये समिट होती है और ये इस बार कहाँ हुई चाइना में ये आयोजित कराई गई तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बाद अगला सवाल है बेस्ट प्राइवेट बैंक अवार्ड 2021 तो 2021 का बेस्ट प्राइवेट बैंक कौन सी यहाँ पे इसको खिताब मिला तो दोस्तों एच को ये बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड दिया गया इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है परम विशिष्ट सेवा मेडल टू विच प्लेयर तो दोस्तों परम विशिष्ट सेवा मेडल किसी प्लेयर को दिया गया उस प्लेयर का नाम बता रहे हैं तो दोस्तों नीरज चोपड़ा इसका आंसर यह रहेगा ओलंपियन नीरज चोपड़ा इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा इसके बाद पूछ लिया गया हैव पास्ट अवे एट द एज ऑफ 83 थ्री बीन ऑफिशियली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑस्कर्स ट्वेंटी तो दोस्तों ये सवाल में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों को जो है इसमें ध्यान नहीं देना है ये थोड़ा मिसप्रिंट है इसके बाद जो सवाल है ऑफिशियली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ऑस्कर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो दोस्तों कौन सी फिल्म ऑस्कर दो हज़ार बाईस के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई भारत की तरफ से तो दोस्तों इसका जो आंसर है जय भीम यहाँ पर ये रहेगा इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया पास्ट अवे एट द एज ऑफ एटी थ्री आ कत्थक डांसर तो दोस्तों एक कत्थक डांसर थे और कुछ ही समय पहले इनका देहांत हुआ और इनकी जो उम्र ही उम्र थी एट्टी थ्री की थी तो एट्टी थ्री की एज में इनका यहाँ पे देहांत तो हो गया और ये कत्थक डांसर थे तो इनका नाम क्या था तो दोस्तों ये प्रसिद्ध पंडित बिरजू महाराज थे और ये नाम आप लोगों को याद रखना है इसके बाद पूछ लिया गया इसरो हेड क्वार्टर तो इसरो का जो हेड क्वार्टर है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो इसका हडक्वाटर कहाँ पर है मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है इसरो का संबंध बेंगलुरु कर्नाटक से यहाँ पे रहेगा इसके बाद अगला सवाल है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तो आईएमएफ का हेड क्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है तो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है इसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर तो ये भी वाशिंगटन वाशिंगटन डी यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इसके बाद पूछ लिया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो डब्ल्यू एच ओ का कहाँ है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड तो ये आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इसको याद रखना है इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है द टोटल साइज़ ऑफ द बजट 2022 से 2023 तो 2022 से 2023 के लिए जो बजट पेश किया गया यूनियन बजट जो आता है तो ये कितने इसका जो राशि थी कितना था थर्टी नाइन पॉइंट फोर फाइव लैख करोड़ तो करीब करीब 40 लाख करोड़ का बजट 2022 से 2023 के लिए सेंक्शन किया गया और यू, यूनियन जो मिनिस्टर हैं कैबिनेट की मंत्री जो है फाइनेंस मिनिस्टर उनके द्वारा ये बजट यहाँ पे पेश किया जाता है और यूनियन यूनियन की जो फाइनेंस मिनिस्टर है जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ निर्मला सीतारमन जो है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं और ये फाइनेंस का काम संभालती हैं तो इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों जो बजट आया था 39.45 लाख करोड़ तो इसमें एनएचएम के लिए कितना बजट यहाँ पे सेंक्शन हुआ तो दोस्तों देखिए कितना हुआ सैंतीस हज़ार आठ सौ करोड़ तो ये आप लोगों को याद रखना है ऐसे ऐसे दोस्तों देखिए बहुत सेक्टर हैं जिसमें ये पूरा बजट को एलोकेट किया गया रेलवेज़ में दिया गया एग्रीकल्चर में दिया गया तो और अलग अलग क्षेत्रों में ये दिया गया डिफेंस में भी ये दिया जाता है एजुकेशन के क्षेत्र में भी ये दिया जाता है तो अलग अलग यहाँ पे राशि रहती हैं तो एन का मैंने यहाँ पे कवर कर लिया एन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है तो सैंतीस हज़ार आठ सौ करोड़ यहाँ पे ये यह बजट यहाँ पे एन एच एम को दिया गया इसके बाद पूछ लिया गया बचपन बचाओ आंदोलन स्टार्टेड बाय तो दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया तो कैलाश सत्यार्थी इसका आंसर ये रहने वाला है और दोस्तों कुछ इसी तरीके के सवाल आप लोगों की परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे करेंट अफेयर्स और जीके के पोर्शन से तो इन्हीं क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लें और ऐसे ही सवाल आपके पूछे जाने वा अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अगला जो टॉपिक हमारा जो यहाँ पे जो रहने वाला है दोस्तों एक सवाल इसमें आप छूट गया जो जो कि है राइटर ऑफ मालगुड़ी डेज तो मालगुड़ी डेज के राइटर कौन है तो आर के नारायण इसका आंसर यहाँ पर रहेगा इसके बाद दोस्तों बढ़ जाते हैं अब हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस की और तो रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ें और समझ लें किस तरीके से ये सॉल्व होंगे बहुत ही आसान ये होते हैं आपको देखने में भले ही ये थोड़े कठिन लगेंगे लेकिन थोड़ा लॉजिक इसमें आप लोग लगाएंगे बड़े आराम से आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा तो दोस्तों देखिए रीजनिंग का जो पहला सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया मिस्टर दीपक मोहन वॉक्स फाइव किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ तो दीपक मोहन कोई पर्सन है और ये चलते हैं ये वॉक करते हैं पाँच किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन की और इसके बाद लिखा है एंड देन टर्न्स टू द राइट और फिर दोस्तों ये राइट right डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं और तीन किलोमीटर ये चल देते हैं और तीन किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों ये टर्न हो जाते हैं लेफ़्ट डायरेक्शन की ओर और, और पाँच किलोमीटर चल देते हैं इसके बाद आप लोगों से पूछ लिया गया वॉट डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग राइट नाउ आखिर में मिस्टर दीपक मोहन जो है इनकी फेस की डायरेक्शन कौन सी दिशा में रहेगी तो आपको अलग अलग डायरेक्शन दे दी गए वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट तो आप लोगों को पता लगाना है कौन सी डायरेक्शन में इनका फेस है फाइनली तो दोस्तों देखिए कैसे इसको आप लोग इसको सॉल्व करेंगे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में भी काफ़ी बार ये सवाल आपको सॉल्व करके बताया तो आपको वही फॉलो करना है आपको चारों डायरेक्शन आपको ये बना लेनी है तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये डायरेक्शन होती है ईस्ट इसके अपोजिट अपोजिट होती है वेस्ट इसके बाद होती है इस तरफ यहाँ पे नॉर्थ और इसके अपोजिट में होती है ये साउथ डायरेक्शन तो मिस्टर दीपक मोहन है और ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट इनका यहाँ पर रहेगा बोला जा रहा है दीपक मोहन वॉक्स फाइव किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ तो दोस्तों देखिए ये साउथ पोजीशन है साउथ के डायरेक्शन है इसमें ये पाँच किलोमीटर लगभग लगभग यहाँ पे चल गया तो हमने मान लिया ये पाँच किलोमीटर है और इसके बाद लिखा है देन टर्न्स टू द राइट इसके बाद दोस्तों ये राइट right डायरेक्शन में मुड़ गए तो दोस्तों एरो का ये वाला जो डायरेक्शन है ये राइट डायरेक्शन क्या लाएगा और ये कितना वॉक करे देखिए ये तीन किलोमीटर यहाँ पर इस तरफ ये राइट right डायरेक्शन में चले इसके बाद बोला जा रहा है देन ही टर्नस टू द लेफ्ट फिर दोस्तों यहाँ से ये लेफ्ट डायरेक्शन में वॉक कर गए और पाँच किलोमीटर चल गए तो यहाँ से ये टर्न हुए और पाँच किलोमीटर यहाँ से ये चल गए इसके बाद पूछ लिया गया वॉट डायरेक्शन ही इज फेसिंग राइट नाउ तो देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन है तो ये साउथ डायरेक्शन है और इनका जो फेस है ये भी साउथ डायरेक्शन की तरफ रहेगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है सही विकल्प ये रहेगा और दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों को लॉजिक भी समझा दिया था कि यदि एरो इस डायरेक्शन में है तो इसका दोस्तों जो ये वाला पोर्शन है तो ये लेफ्ट डायरेक्शन होगा और ये वाला जो पोर्शन है ये रहेगा इसका राइट right डायरेक्शन तो राइट right में अगर जाएगा तो इस तरीके से ये मूव हो जाएगा और अगर लेफ़्ट में जाएगा तो ये इस तरीके से मूव यहाँ पे हो जाएगा तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं डायरेक्शन वाले आप लोगों से पूछ ले जाते हैं आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है एक और दोस्तों अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ जाते हैं पूछ लिया गया इसमें लुक एट सीरीज़ वाट नंबर शुड कम नेक्स्ट तो आपको बताना है बाईस के बाद दोस्तों इक्कीस आ रहा है फिर तेईस आ रहा है फिर बाईस आ रहा है फिर चौबीस आ रहा है फिर तेईस आ रहा है फिर हमको बताना है इस फिलिंदा ब्लैंक्स की तरह इस जगह पे क्या इन चारों ऑप्शन में से आएगा तो मैं इसको आपको यहाँ आप पर लिख के दिखा देता हूँ बाईस फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है इक्कीस इसके बाद क्या है तेईस इसके बाद है बाईस इसके बाद है चौबीस इसके बाद है तेईस और फिर हमें बताना है ये बाले फिलिंदा ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या आएगा तो दोस्तों देखिए कितना आसान सा ये सवाल है आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे देखिए कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है बाईस से तेईस हो रहा है और तेईस से फिर चौबीस हो रहा है तो चौबीस का यहाँ पर एक छोड़ के क्या होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पच्चीस यहाँ पर ये यह हो जाएगा तो पच्चीस ही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प ये रहने वाला है तो बहुत ही आसान था और ये लॉजिक आप लोगों को समझना था कि इस तरीके से ये सीरीज़ मूव हो रही है और आप लोगों को आंसर इजीली इसका मिल गया तो कुछ इसी सवाल की इसी तरीके के सवाल की आप लोग प्रैक्टिस करते रहें एक और दोस्तों अगले सवाल की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इसमें सेम टू सेम आपको बताना है इस जगह पर फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या आएगा आपको बताना है इन चारों में से कौन सा नंबर यहाँ पे रहेगा तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे तीन चार सात इसके बाद है यहाँ पे आठ इसके बाद है यहाँ पे ग्यारह इसके बाद है बारह फिर आपको बताना है अगला नंबर यहाँ क्या रहेगा? तो दोस्तों देखिए चार और तीन को माइनस करेंगे चार में से तीन जाएंगे तो एक यहाँ पे बच रहा है ऐसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए सात में से चार माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा तीन आएगा ऐसे दोस्तों हम लोग देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे आठ में से सात तो यहाँ पे एक बचेगा ऐसे हम लोग दोस्तों इसमें देखिए लिखेंगे ग्यारह में से आठ तो यहाँ पे कितना बचेगा तीन बचेगा तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अगला जो है बारह में से ग्यारह जाएंगे तो कितना बचेगा एक बचेगा तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पर देख चुके होंगे एक के बाद तीन आ रहा है फिर दोस्तों फिर यहाँ पर देखिए एक के बाद तीन आ रहा है अब दोस्तों क्या आएगा एक आ चुका है तो इसके यहाँ पे क्या तीन आएगा और जब आप सभी लोग जो हैं बारह को तीन में प्लस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आप लोगों की निकल के आ जाएगी तो बारह प्लस तीन क्या होगा तो पंद्रह होगा और पंद्रह इसका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प यह रहेगा और आप लोगों को डिफरेंस निकालना था डिफरेंस बार बार रिपीट हो रहा था वन थ्री वन थ्री तो वन के बाद फिर थ्री आना था हमने उसको प्लस कर दिया आखिरी के वैल्यू से और हमारा आंसर यहाँ पे इजीली आ गया तो कुछ इसी तरीके के सवाल के आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें इसके बाद दोस्तों देखिए आप लोगों को एक और यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया इस वाले फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या आएगा आप लोगों को बताना है तो दोस्तों देखिए कैसे आप लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे एस से यहाँ पे टी हो रहा है टी से यहाँ पे यू हो रहा है और यू के बाद क्या आता है दोस्तों यू के बाद आता है वी तो जो भी ऑप्शन है हमारा वी से शुरुआत होगी तो दोस्तों देखिए ये वाला ऑप्शन गया ये वाला ऑप्शन गया ये वाला ऑप्शन भी गया तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया है वी और भले ही आप लोग जो है पूरा सॉल्व ना करें इसी में ही आप लोगों को इसमें आंसर मिल जाएगा और आप चाहें तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं सी से ए e हो रहा है तो यहाँ पे क्या छूट रहा है डी छूट रहा है यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए ई e से जी हो रहा है तो एफ यहाँ पे छूट रहा है फिर जी के बाद यहाँ पे क्या छूटेगा एच छूटेगा और यहाँ पे आई यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एच छूटने के बाद आई यहाँ पे आ जाएगा ऐसे दोस्तों यहाँ पे लास्ट वाले का भी आ जाएगा तो वी आई जे इसका यहाँ पे राइट आंसर ये रहेगा तो आप लोगों को कुछ इसी तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं अब दोस्तों बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर ये सवाल बहुत ही आसान है आप लोगों को पूछ लिया गया चार का रिलेशन आठ से है तो सोलह का रिलेशन किससे रहेगा तो दोस्तों देखिए चार का रिलेशन आठ से कैसे है तो फोर का रिलेशन एट से इसलिए है क्योंकि फोर इन जो टू होता है वो हमारा यहाँ पे क्या होता है एट यहाँ पे होता है ऐसे हम लोग सिक्सटीन का भी निकाल लेंगे तो सिक्सटीन का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे टू में तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे बत्तीस क्या बत्तीस ऑप्शन में आ रहा है जी हाँ देखिए ऑप्शन सी बत्तीस इसमें आ रहा है तो ऐसा आंसर इसमें लॉजिक था मल्टीप्लाई बाय टू हो रहा था और इजीली हमारा आंसर यहाँ पे आ गया बढ़ जाते हैं एक और अगले सवाल की ओर इसमें दोस्तों देखिए अगला सवाल है अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस चार अलग अलग आपको यहाँ पे देखिए वर्ड दिए जा रहे हैं आप लोगों को मीनिंगफुल सीक्वेंस बताना होगा पहला यहाँ पे जो वर्ड है लेटर है उसके बाद सेंटेंस है उसके बाद वर्ड है उसके बाद फ्रेस आप लोगों को दिया गया तो दोस्तों देखिए सबसे पहले जो है सबसे पहले दोस्तों देखिए लेटर आएगा तो वन आएगा लेटर में दोस्तों क्या होगा वर्ड आएंगे तो वर्ड आएगा मीन्स तीन नंबर पे वर्ड है तो हमने यहाँ पे तीन टाइप कर लिया और फिर वर्ड दोस्तों फिर क्या बनाते हैं सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस के लिए यहाँ पे दो है तो हमने यहाँ पे दो यहाँ पे लिख लिया और फिर दोस्तों ये पूरा फ्रेज़ आप लोगों का बन जाएगा इसमें थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक होगी एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ सबसे पहले दोस्तों लेटर होगा फिर लेटर के बाद दोस्तों फिर वो वर्ड उसमें आएंगे और वर्ड के बाद दोस्तों फ्रेज बनेंगे छोटे छोटे फ्रेजेस रहते हैं और फ्रेज बन के बड़ा सेंटेंस ये बनाएंगे तो आप लोगों का जो सीक्वेंस है वन था फिर उसके बाद क्या था थ्री था फिर उसके बाद फ्रेज था फोर था फिर टू यहाँ पे सेंटेंस था तो वन थ्री फोर टू इसका ये मीनिंगफुल यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा क्या वन थ्री फोर टू यहाँ पे ऑप्शन में है जी हाँ दोस्तों देखिए वन थ्री फोर टू ऑप्शन नंबर डी सही इसका विकल्प ही रहेगा तो आप लोगों को बताना है स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको यहाँ पे समझेंगे तभी आप लोगों का आंसर आएगा बढ़ जाते एक और अगले सवाल की ओर तो दोस्तों देखिए आप लोगों को यहाँ पर मिसिंग टर्म बतानी है इस जगह पर क्या आएगा या आपको कॉमा करके कुछ आपको पेयर्स दे दिए गए हैं जैसे कि देखिए ए एच दिया गया है यहाँ पे इसके बाद क्या दिया है डी एल दिया गया है इसके बाद जी पी आप लोगों को दिया गया फिर इसके बाद आपको जे टी दिया गया आपको लास्ट वाले का बताना है तो दोस्तों देखिए कैसे आप लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे ए से डी हो रहा है तो यहाँ पे कितने छूट रहे हैं तो ए के बाद बी छूट रहा है इसके बाद यहाँ पे सी यहाँ पे ये छूट रहा है ऐसे दोस्तों देखिए एच से एल में क्या रिलेशन है तो एच से एल में जाने के लिए क्या होगा एच के बाद क्या आता है आई फिर आता है जे फिर आता है के तो तीन लेटर यहाँ पे छूट रहे हैं तब यहाँ पे एल आ रहा है ऐसे ही दोस्तों देखिए डी से जी में कैसे जाएंगे तो देखिए डी के बाद ई e आएगा और फिर आएगा एफ आएगा फिर हमारा यहाँ पे जी आ जाएगा ऐसे हम लोग देखिए एल से पी का निकालेंगे तो एल के बाद क्या आता है एम फिर आता है एन फिर आता है ओ फिर हमारा पी यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पे भी तीन होगा यहाँ पे भी तीन हो गए फिर हम लोग ऐसे ही आगे वाले का निकाल लेंगे जी से जे तो देखिए जी के बाद क्या आता है एच फिर एच के बाद आता है आई और ऐसे हम लोग लास्ट वाले का निकालेंगे पी से टी तो पी के बाद आता है क्यू क्यू के बाद आ आ, आता है आर आर के बाद आता है एस फिर हमारा आगे यहाँ पे टी तो आगे वाले का कैसे निकालेंगे तो आगे वाले का दोस्तों देखिए कैसे निकालेंगे जे से इसमें जाना है तो हम लोग को यहाँ पे दो छोड़ने होंगे लेटर्स जे के बाद क्या आता है के फिर आता है एल फिर यहाँ पे क्या जाएगा? आ जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा एम तो हमारा पहला लेटर यहाँ पे आ गया फिर दोस्तों हमें आगे वाले का निकालना है तो आगे वाले का रिलेशन कैसे निकलेगा इसका इससे तो टी के बाद हमें तीन यहाँ पर छोड़ने होंगे तो टी के बाद क्या आता है यू फिर आता है V और फिर आता है डब्लू और फिर आएगा हमारा जो आंसर है एक्स तो एम एक्स यहाँ पर आ गया और एम जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प ये रहने वाला है तो देखिए ऊपर जो है तीन तीन लेटर्स छूट रहे थे और यहाँ पे नीचे जो है दो दो लेटर्स का यहाँ पे ये यह डिफरेंस था तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को इनको फॉलो करना है और आपका आंसर यहाँ पे इजीली आ जाएगा थोड़ा सा ही लॉजिक इसमें आपको यहाँ पे लगाना है अब दोस्तों देखिए एक और अगला सवाल है यह आप लोगों को इस तरीके की सीरीज़ आपको दे दी गई इस तरीके के काफ़ी सवाल मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ जैसे कि देखिए लिखा है ए फिर दिया है आपको बी फिर दिया है आपको ए फिर इसके बाद दिया है फिरिंदा ब्लैंक्स फिर इसके बाद दिया है बी इसके बाद दिया है आपको फिर से एक बार बी फिर इसके बाद दिया है आपको ए फिर इसके बाद दिया है आप लोगों को बी तो आप लोगों को चार अलग अलग आपको यहाँ पे सॉरी पांच अलग, अलग अलग आप लोगों को फिलअप्स यहाँ पे फिल करने हैं लॉजिक के हिसाब से आपको बताना है क्या इनमें भरा जाएगा तो दोस्तों देखिए पहले आप लोग इनको पूरा आ, काउंट कर लें कितने हम इसको सीरीज़ में डिवाइड कर देंगे तो देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह दोस्तों ये कुल मिला के बारह है तो बारह को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करेंगे तो तीन तीन के हम लोग चार पेयर बना लेते हैं तो देखिए तीन ये हो गए इसके बाद तीन ये हो गए इसके बाद तीन ये हो गए और आखिरी के ये तीन यहाँ पे हो गए तो हमने इसको चार भागों में इसको डिवाइड कर दिया अब आप लोगों को जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बी के पहले यहाँ पे क्या आ रहा है तो देखिए बी ए के पहले क्या आ रहा है तो ए के पहले हमेशा बी आ रहा है तो इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों देखिए ए है तो ए के पहले यहाँ पे क्या जाएगा? तो यहां पे आ जाएगा तो यहाँ पे बी आ जाएगा तो ये वाला हमको मिल गया तो यहाँ पे बी आएगा अब दोस्तों हम लोग देखिए आगे का निकालेंगे आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस ए के पहले दो बी आप लोगों को दिए जा रहे हैं तो ये वाले ए के पहले एक बी है तो हम लोग यहाँ पर एक और बी यहाँ पे फिल कर देंगे तो यहाँ पे दो भी हो गए एज इट इज़ यहाँ पे भी दो भी एक के पहले थे तो दोस्तों देखिए आप लोगों को दो पेयर मिल चुके हैं ए बी बी तो ये देखिए ये पूरा आपको पेयर मिल गया ए बी बी ऐसे दोस्तों देखिए ये वाले को ये भी देखिए क्या होगा ए बी बी फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए दोनों बी बी हैं तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा ए बी बी और यहाँ पे दोस्तों देखिए ए था तो यहाँ पे भी ए बी बी यहाँ पे हो जाएगा तो सीरीज़ आप लोगों को मिल गई सीरीज़ जो है बार बार रिपीट हो रही है ए बी बी ए बी बी ए बी बी और ए बी बी कितना आसान था बड़े आराम से आप लोगों को यहाँ पे इसका लॉजिक समझ में आ गया और यहाँ पे क्या मिला बी मिल गया यहाँ पे भी हमें क्या मिला बी मिल गया यहाँ पे हमें क्या मिला ए मिल गया और यहाँ पे लास्ट में हमें बी मिल गया तो बी बी ए बी बी तो बी बी ए बी बी कौन सा ऑप्शन है देखिए बी बी ए बी बी तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमें राइट आंसर ये मिल गया और बड़े आराम से हम लोग ने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया अब दोस्तों एक और अगले सवाल के लो हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे अलग ऑप्शन यहाँ पर ये यह रहेगा तो दोस्तों देखिए कैसे हमें ये फाइंड आउट करना है पाँच प्लस सात प्लस दो प्लस जीरो तो हम लोग इसको यहाँ पे जब ऐड करेंगे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह और दो चौदह तो दोस्तों फोर्टीन यहाँ पे आ रहा है इसके बाद दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे सिक्स प्लस सेवन प्लस वन प्लस जीरो तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा सिक्स प्लस वन सेवन और सेवन सेवन होता है फ़ोर्टीन तो ये भी हमें फ़ोर्टीन यहाँ पे मिल गया इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टू प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस जीरो तो छः चार दस और दो बारह तो यहाँ पे दोस्तों क्या मिल गया बारह आ गया इसके बाद दोस्तों अगला जो है फोर प्लस टू प्लस सेवन प्लस जीरो तो क्या आ जाएगा सात आठ नौ और नौ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लास्ट में एक मिस प्रिंट है और यहाँ पे दोस्तों ये वन था और तब जाके ये यह, यहाँ पे क्या होगा अब ये टोटल जो है सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये हो गया हमारे फोर्टीन तो यहाँ पे देखिए तीन जो ऑप्शन है चौदह आंसर इनका आ रहा है सबसे अलग जो है बारह है तो ऑप्शन नंबर सी यही सबसे ऑड वन आउट है सबसे अलग ये चारों ऑप्शन में से रहेगा तो इस चीज़ का आप लोगों को याद रखना है आप लोग बड़े आराम से इनको भी सॉल्व कर देंगे इसके बाद एक और सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया है आपको बताना सबसे अलग क्या है टीचर प्रिंसिपल स्टूडेंट लेक्चरर तो जल्दी से बता दें सबसे अलग यहाँ पे क्या रहेगा तो दोस्तों देखिए सबसे अलग जो है स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा बाकी जो है मैनेजमेंट के यहाँ पे जुड़े हुए मीन्स जो ऑफिस के जो कर्मचारी रहते हैं स्कूल में जो कि रहते हैं देखिए टीचर उसमें प्रिंसिपल भी रहते हैं उसमें लेक्चरर भी रहते हैं लेकिन जो है स्टूडेंट अलग यहाँ पे रहते हैं वो क्लासेस में पढ़ते हैं अपना अध्ययन करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी एस का सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है और यही सबसे अलग ऑप्शन इन तीनों में से यहाँ पे रहने वाला है तो कुछ इन्हीं क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करें और दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है ये पार्ट नंबर ट्वेल्व है इससे पहले ग्यारह अलग अलग पार्ट आ चुके हैं आपको इसी वीडियो के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी एलेवन पार्ट्स की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी एम पी एन एच एम स्टाफ नर्स अगर आप लोग तीन अगस्त के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं सभी पार्ट्स आप लोग एक बार वॉश करके जरूर जाना काफ़ी हेल्प आपको एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगी जितने भी कैंडिडेट्स को एम पी स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर यदि आप लोग को चाहिए तो आप सभी को बताना चाहता हूँ एलेवन क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं और एलेवन क्वेश्चन पेपर्स की पी डी एफ फाइल है और पी डी एफ का जो अमाउंट है वन फिफ्टी रुपीज़ रहेगा जैसे आप लोग वन फिफ्टी रुपीज़ का पेमेंट कर देंगे पी डी एफ़ फ़ाइल आप लोगों को पहुँचा दी जाएगी इसके लिए हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है सेवन फोर वन डबल फाइव फोर थ्री सिक्स फाइव नाइन चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करें ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर नहीं आया क्या इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिली या फिर नहीं मिली तो ये जानकारी आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में आप लोग कमेंट लो कर दें और शेयर कर सकते हैं बहुत ही कम लोग शेयर करते हैं वीडियो को लेकिन जो कैंडिडेट शेयर करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे चैनल से आप लोग जुड़े हैं और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी हमारे चैनल से आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो नीचे के नीचे जाएं सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें एमपी एनएचएम एन स्टाफ नर्स हर जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहते तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक यू सो मच